हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज का जो हमारा वर्कआउट है, एक होम वर्कआउट होने वाला है या फिर आउटडोर वर्कआउट बोल लीजिए, जिसे हम ग्राउंड में करने वाले हैं। तो ये वर्कआउट होने वाला है हमारी चेस्ट के लिए। इसमें हम ग्राउंड में रहकर हम अपनी चेस्ट को जल्दी ग्रो कैसे कर सकते हैं और ईजी से वर्कआउट से कैसे जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, आज आपको ज़रूरत होगी या तो ईंटें ले लीजिए आप या फिर पत्थर ले लीजिए। अगर आपके पास डंबल हैं तो वो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो ये है घर के बने हुए, तो मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। आप पत्थर या फिर ईंटें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो आज पहली एक्सरसाइज है हमारी वाइड ग्रिप पुशअप्स। उसके लिए आपको जो आपके पास ईंटें या फिर पत्थर हैं या फिर डंबल हैं तो उनको रखना है वाइड और ऐसे। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पूरा पुशअप्स लगाना है, हाफ हाफ पुशअप्स नहीं लगाने, ऐसे इतना सा नहीं लगाना है। और इसमें आपको कोर को टाइट रखना है पुशअप्स करते रहें। तो कीजिए 1। जैसे ये ख़त्म होगा, इसके करने आपको 20 to 25 रैप्स। तो जैसे ये ख़त्म होगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वाइड ग्रिप विद दिस ग्रिप, इस ग्रिप के साथ। 1, 2। तो इसके करने आपको 15 से 20 रेपिटेशंस। जैसे ही ये खत्म होगा तो आपको करनी है वॉकिंग वॉकिंग पुशअप्स। तो वो कैसे करना है, बस ऐसे हाथों के बल चलना है। 1, 2, 3 4। तो इसके करने आपको 20 से 25 रेपिटेशंस। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी फ्लाई। तो इसमें आपको जैसे नॉर्मल नॉर्मल हम जिम में करते हैं फ्लाई, वैसे नहीं करना है आपको। बस लेटना है एंड आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा ऊपर, 1, 2, 3, इसके करने आपको 10 से 15 रेपिटेशंस। जैसे ये ख़त्म होगी तो उसके बाद आपको करना है डायमंड पुशअप्स। डायमंड पुशअप्स करने के लिए आपको अपने हाथों को डायमंड की शेप में रखना है एंड उन पे अपनी चेस्ट टच करनी है डायमंड पे। 1, 3, 4, 5 एंड जैसे ये ख़त्म होगी तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे आर्चर पुशअप्स। तो हाथों को ऐसे वाइड ग्रिप में, 1, 2, 3। तो इसके करने आपको 8 से 10 रेपिटेशंस। और जैसे ही आर्चर आपका ख़त्म होगा तो आप 20 या 25 सेकंड की रेस्ट ले सकते हैं। रेस्ट लेने के बाद आपको करना है एक्सप्लोसिव पुशअप्स। तो वैसे जैसे नॉर्मल ग्रिप लेते हैं पुशअप्स के लिए, वैसे ही और थोड़ा सा ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5 और जैसे ये ख़त्म होगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है हमें क्लैप पुशअप्स। जो बिगिनर्स है जो क्लैप पुशअप्स नहीं कर सकते हैं तो उनको नी पे करना है, ऐसे नी पे बैंड ऐसे कर सकते हैं वो। 1, 2, 3, 4 तो इसके करने आपको 10 से 15 रेपिटेशंस एंड अब करेंगे एक प्लैंक की वेरिएशन, जिसमें हम नॉर्मल प्लैंक में हाथ रखते हैं, वैसे नहीं रखने हैं आपको, थोड़ा सा वाइड, ये देखिए ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5 तो इसके भी आप 15 से 20 रेपिटेशंस कर सकते हैं। एंड आज का वर्कआउट बस इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कआउट में एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि वीडियोस आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही हैं। थोड़ा अगर
कमी होगी तो उसको आगे जाके करेंगे ठीक, है ना।